लाइफ विल बी वर्थ इट, जीने के कुछ पर्पस सॉल्व हो जाते हैं ऐसे खाने के बाद, मजाक नहीं कर रहा। यखनी घी नहीं जो मेन है, यखनी करनी है, यखनी जो मेन है वो की नहीं आपने, चलो यखनी करते हैं साथ में, ठीक है जी। पूरी इंडिया में मैंने ऐसा नहीं खाया, मतलब मुझे ना इन्हें कहा थोड़ा टाइट होता है मटन, और वो बिल्कुल दिख भी रहा है ये देख रहे हो। सो क्या पूरा चंक आएगा मुंह में ना, 3, 2, 1 सब्सक्राइब। Yo, what's up people? I hope everyone's doing great. My name is Shaurav and स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बारी। हाँ जी, जम्मू डे 2। कल मौसम एकदम ब्रिलियंट था, आज धूप पड़ गई है, बुरा नहीं है मौसम, बट कल वाले से कंपेयर कर रहा था तो दैट वाज मच बेटर। एनीवे, आज जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह के बारे में इतना सुना था, जम्मू में इतना सुना था, क्या बताऊँ यार, पहुँच गया हूँ। जगह का नाम है पारसरम ढाबा। अच्छा, बिफोर आई टेल यू अबाउट द ढाबा, आई वांट टू टेल यू अबाउट द सिटी इज़ वंडरफुल, मतलब दिल खुश कर दिया, कमाल हो गया। एंड इट्स नो लेस देन अ हिल स्टेशन यार, मैं सच बता रहा हूँ, जिन रास्तों से मैं अभी आया हूँ ना प्रॉपर पहाड़ी रास्ते थे, और जिस हाईवे पे हूँ ये वहीं का ढाबा है, पारसरम ढाबा, प्रॉपर ढाबा। ओनर साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर नाम इतना सुना है, इतने लोग आए आपके इस वीडियो बनाने, खास बात क्या है? कह रहे वो बात आपको पता चलेगी आफ्टर यू हैड योर फूड। मैं कहा स्पेशलिटी बता दो आप साथ साथ। कह रहे हमारा का खट्टा मीट। ना यार, आपको पता मटन के मैंने कितने ज़्यादा व्लॉग्स बनाए और कितने तरह के मटन खाए हैं, बट आई नेवर हर्ड, नेवर ट्राइड ऑफ खट्टा मीट। मतलब क्या हिसाब है मुझे नहीं पता, बट मैंने देखा था अंदर शक्ल है, वो इज लुकिंग एब्सोल्युटली लिप स्मैकिंग। इसके साथ साथ कहते आपको मुझे खिलाना है हमारे यहाँ का राड़ा चिकन। नाउ कह रहे आपका एक राड़ा चिकन दिल्ली में मिलता है, उसको दिमाग से निकाल दो फॉर सम टाइम, और हमारे यहाँ का राड़ा चिकन खाओ, यू वुड थरली इन्जॉय, द फ्लेवर्स आर डिफरेंट एंड मज़ा आएगा, स्वाद आ जाएगा। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ कहते आपको हमें खिलाना है हमारे यहाँ का मटन कोफ्ता, उस्ताबा नहीं मटन कोफ्ता, अगर मतलब नॉर्मली कश्मीरी वाज़ा बहुत मिलता है ना जम्मू में। कह रहे कोफ्ता का सीन ये है कि इसमें यू विल हैव अ लिटिल चंक्स आएंगे आपको मीट के, एंड ये इनकी तरह इन्होंने एक डिश इन्वेंट करी है लाइक गुस्ताबा बट नॉट गुस्ताबा। और इसके साथ साथ कहते हैं आपको हमें खिलाना है रोगन जोश। नो ऑनेस्टली आई वॉज नॉट वेरी कीन ऑन रोगन जोश, इज ओनली बिकॉज वो मैंने बिल्लू दी हट्टी पर खाया था ना रोगन जोश, बट देन वो जब मैं किचन में गया ना, इतनी बड़ी कढ़ाई थी वहाँ पर, और वहाँ पर ना मटन प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर था, और देखते ना मेरे को पानी आ गया, जी फिसल गई, मतलब मैं कहा यार लेट्स जस्ट डू इट। तो रोगन जोश है, मिलते हैं अंदर, पूरा ढाबा है रोड साइड जैसे कि मैंने कहा, अंदर देखना हल्की बहुत मेकिंग वगैरह, उसका कैसे स्प्रेड लगा रहे हैं, एंड फाइनली एक प्यारा अच्छा सच्चा रिव्यू। जम्मू है अब तक अच्छा रहा है, क्या ये उतना अच्छा होगा, क्या ये अपनी हाइप जिसकी हाइप है उस पर खड़ा उतरेगा, मिलते हैं अंदर ओनर साहब से। गाइस मोनू भैया क्या लेंगे सर? बड़ा नाम सुना है, अच्छा जी, और कितने लोग आ चुके हैं आज? मैं भी वीडियो बनाने के लिए आपके पास आ गया, क्या खासियत की है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? खासियत तो बड़ों का आशीर्वाद है, परसराम ने नाम घुमाया है बस। अच्छा, तीसरी पीढ़ी जनरेशन चला रहा हूँ मैं, तो चौथी अभी रेडी है। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके बड़ों की बुजुर्गों की शफा है जो आगे चल रही है। ये है कि माता रानी की कृपा से 3 ब्रांचेज हैं, एक चाचा जी संभाल रहे हैं, पुरानी ब्रांच पाई थी, ये अभी मैंने शुरू किया 5-7 साल। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने आके थोड़ा खाना देख लिया था, मैंने ऑर्डर भी सर प्लेस कर दिया है, खट्टा मीट किया है, रोगन जोश किया है, कोफ्ते किए हैं, और साथ में राड़ा, बहुत बढ़िया। यखनी घी नहीं जो मेन है, यखनी करनी है, यखनी जो मेन है वो की नहीं आपने, चलो यखनी करते हैं साथ में, ठीक है जी। चलो मैं जा रहा हूँ किचन में, देख रहा हूँ थोड़ा है। गाइस ये किचन की लुक एंड फील है, एक्चुअली पहले बाहर चलते हैं, बाहर से दिखाता हूँ। हाँ जी, ये बाहर आ गया, गाड़ियाँ देख रहे हो हाईवे पे रुकी हुई हैं, ये देख लो, ये सब हाईवे का काम है, वो देख लो। एनीवे, दिस इज परसराम ढाबा, ये कंडीशन सीटिंग है और वो किचन है, हम किचन में चलते हैं। सिद्धार्थ हेलो कह दो एक बारी। संजीव सर हेलो कह दो। हेलो वंस अगेन सिद्धार्थ, मेरे गाइड, मेरे हेल्प, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और ये है किचन की लुक एंड फील, तंदूर का काम सारा, और वहाँ पे अच्छा जी क्या मटन रोगन जोश, चलो जाओ, थैंक यू। दादा क्या हाल है, कैसे हैं? बढ़िया जी। कैसे देख रहे हो, ये बड़े बड़े पतीले कढ़ाइयाँ, ये
कौन सा पतीला है? नहीं नहीं वो तो रोगन जोश है, पीतल का है ना ये। बहुत अच्छी बात है यार। चिकन फ्राई हो रहा है, राडा चिकन के लिए चिकन फ्राई करके रखते हैं हम इसको, तो मसाला इसका रेडी करके बाद में इसको करके मसाले डाल के तो राडा चिकन राड लगा के। दिल्ली में ना राडा बड़ा अलग मिलता है, ये बेसिकली स्किन वाला चिकन है। यहाँ पे ये क्या है जी? ये राणा मटन है, रोगन जोश। इसमें सिर्फ ऑनियन और लहसुन अदरक का वो है, टमाटर यूज नहीं होते इसमें। एक्चुअल रोगन जोश वाला है, कोई टमाटर नहीं है, जो फ्लेवर है मटन का और थोड़े मसाले गोल, ये इसी में मिलेगा रोगन जोश। क्या बात है। और यहाँ क्या है जी? और बेसिकली जिस पतीले में ये बनता है इसकी भी बड़ी खासियत है, ये देखिए पतीला है, इसको हिलाओ खाली, अब मैं पकड़ूंगा आप इसको हिलाओ, ये लो ये खाली, इसको कुछ नहीं है, आपको ये उठाओगे तो मैं मान जाऊंगा आपको। ये पतीले को हिलाओ, कैमरा में देखो मुझको, ये देखो जी, ये चैलेंज के उठाने के लिए। हाँ हिलाओ, ये कोई वो नहीं है, ये कम से कम भी पतीले की अपने वेट जो है वो 52 के जी है। आज कैमरा पकड़ लिया आपने। हाँ जी मटन यखनी, ये हो गया जी मटन यखनी। कुछ तावा भी डालते हो सिर्फ यखनी? सिर्फ मटन के पीसेस। हाँ ये डोगरी डिश में आ गई है आपका मटन यखनी, अपना कश्मीरी, तो इसका किस्तावा आ गया आपका मॉर्निंग डिश में। समझ गया। मुस्लिम बना ये नली का हो गया, मछली का हो गया, क्या बात है। और यहाँ पे अपना ये राणा चिकन है, ये राणा चिकन है, कहीं से देख लो पहले तो किस तरह से तैयार है। बड़ा सुंदर लग रहा है जी, जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना खाने में भी अच्छा होगा। ये आ गया जी, ये हमारा दादाजी की अपनी रेसिपी, ये खट्टा मीट। अच्छा ये है खट्टा मीट, ये खट्टा मीट। तो खट्टा मीट का वैसे जनरल बात पूछ रहा हूँ, ये एक डिश है या आप लोगों ने इन्वेंट करी है? ये हमारे दादाजी के टाइम पे ही चल रही है, उन्होंने ही मतलब इसका हिसाब किताब किया चालू। ये कम से कम भी 70 साल से ऊपर हो गया हुआ ये। गाइस वंस अगेन खट्टा मीट मेरा फेवरेट पीस, नल्ली का एक नल्ली का पीस जरूर डालना खट्टा मीट में। और यहाँ क्या है जी? ये मटन कोफ्ता। अच्छा एक कोफ्ते जो कह रहे थे, इसमें कह रहे मटन के चंक्स होते हैं, ये रिश्ता की तरह नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, कीमा बॉल होती है जैसे मसाले मसूले डाल के अपना कीमा, पर फुल प्योरिटी है, कोई न्यूट्री वगैरह कुछ नहीं इसमें, इसका अच्छा प्योर मटन है, प्योर मटन। वैसे दिखा दूं ये इस तरह की थाल जाती है ना जब चावल के साथ मिलता है, ये अपना ये कीमा कलेजी है, ये भी बकरी की, ये जिनके बाजारों के दांत नहीं है वो खा सकते हैं। बेचारे बुजुर्ग वगैरह आते हैं हमारे पास, तो ये कीमा कलेजी, कीमा कलेजी वेरी वेल डिड। तो करी किंग कह सकता हूँ मैं आपको, करी किंग, ग्रेवी किंग। नहीं नहीं बाकी तंदूरी आइटम है अपनी। हाँ वो मैंने देख लिया सारी, ये मलाई टिक्का वगैरह कबाब। सो यू नो दिस इज व्हाट आई कॉल हार्ड कोर फूड, एंड सिंस आई एम अ नॉनवेज लवर यार, दे हैव टू ऑफर मी व्हाट आई वांट। मेरा दिल खुश हो गया। And it's not about what they sell, it's about how they sell their passion. They put themselves on plate, which is very, very important. जब तक आँखें खुली हुई हैं किचन में, वो करते धरते हैं, तब तक काम वैसे चलेगा जैसे चलना चाहिए। और यहाँ पे जिस तरह से मुझसे बातें कर रहे हैं, आँखें खुली हुई हैं पूरी पूरी। देखते हैं प्लेटिंग। अरे जी थाल बनाओ के जैसे बनाते हो? एक किलो, ओके
गया हमारा रोगन जोश। देखो इसे कहते हैं सच अ डिलाइटफुल मैन, बींग दी ओनर इज हेल्पिंग मी आउट सो मच। मेरे खाने की प्लेट ये लेकर आए हैं, थैंक यू सर, पहले तो इतना कर रहे हैं मेरे लिए, वेरी नाइस ऑफ यू। यो ये हॉस्पिटैलिटी अगर मिले ना लाइफ इज गुड। अरे गाइस सिद्धार्थ वंस अगेन, यार मैं अकेले नहीं खा रहा यहाँ पे ना, मुझे कई बार कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ पूछना हो इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इज अ वेल एक्सपर्ट। एनीवे कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है ना, थैंक यू टू यू। गाढ़ा चिकन, यखनी, खट्टा मीट, कोफ्ते और रोगन जोश एंड धुनी वाली स्पेशल चटनी। अब धुनी वाले के पीछे बढ़ रहोगे आज? चलो ट्राई करें। किसे ट्राई करना? जैसा बोले, जैसे आप बोलोगे कैसे खाना ये भी आप बताओगे। चिकन लेते हैं, चिकन ले रोटी के साथ, उसके बाद मटन का दाबा बोला जाएगा। पहले आप एक बाइट ले लो, एक में शेयर कर लोगे आप? शोएब भाई हमारे गेस्ट हैं, तो पहले एक गेस्ट। आज जी पास आ जाओ कैमरा लेके। ये देखो जी, ये देखो जी, ये इनका चिकन राड़ा, और यार राड़ा नहीं बोलते हैं, राड़ा बोलते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, गला कितना अच्छा हुआ है यार, इट्स फॉलिंग ऑफ द बोन ना। इसको राड़ा पता है क्यों बोला जाता है शोएब भाई? क्यों? क्योंकि इसको राड़ा जाता है, दैट मींस कि इसको कुक किया जाता है एंड ग्रेवी पकाई जाती है, काटा जाता है, काटने को राड़ा कहा जाता है। अच्छा जल्दी बना लो, मुझे रोक लो जी। ऑलराइट, 3 2 1 सब्सक्राइब। एब्सोल्युटली डिलीशियस, साथ में धुनी वाली चटनी, मजा आ गया। चिकन का जिस तरह से गला हुआ है, ग्रेवी, मसाले, स्पाइसेस, नीडलेस टू से मजा आ गया। आपको तो आदत हो गई होगी, क्या किस्मत आपकी। मतलब कभी मन कर रहा है नॉन वेज खाने का, चुपचाप जो एक आपने पहले वीडियो देखी है, यहाँ इन दोनों में से एक जगह आ जाओ, दे सब लोग ही खाना, वो सब करते हैं, दिल लेगा मेरा, ये मजा आती है। जो हाइप है ना अब तक वो मेरे ख्याल से मेंटेन है, बिल्कुल ठीक है। आगे चले, क्या खाना जी? कोफ्ता खाया जाए, रोटी के साथ चावल के साथ? चावल के साथ। चलो ये है जी इनका कोफ्ता, ये देख रहे हो, थोड़ी सी ग्रेवी डाल रहा हूँ, बहुत खाना है, ठीक है। कोफ्ता भी हम हाफ ही करते हैं, कोफ्ता हाफ हो जाएगा मुझसे, बिल्कुल ये वाला हो जाएगा। ये देख लो जी अंदर से चंक्स आपको दिख रहे होंगे इसमें मीट के, वो खाने में ज्यादा पता चलेंगे। बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी सी ग्रेवी डाल देता हूँ। ये सब हमने टेस्ट करने के लिए करना है काम, करें चालू जी। बिल्कुल जी, मटन कोफ्ता पारसम ढाबा का, लेट्स गो। टेस्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जिसका जो आपने खाया होगा, इसमें हल्का आपको एक इलायची के कुछ टेक्सचर मिलेगा, इट्स वेरी रिच, और सच बताऊं मजा आ गया। एंड यू आर राइट यार, चावल के साथ ना पूरा जच रहा है, कहते ना खाने को एंजॉय करना, मैं वो कर रहा हूँ, इट्स एक्चुअली गुड। यू नो फूड लवर्स पहुँच जाओ, क्या कहते हो आप? नॉन वेज लवर्स, जम्मू इज हेवन फॉर यू, आ जाओ जी। Heaven is an understatement. हाँ जी भैया, आप खाने वाले हैं हम परसराम का स्पेशल खट्टा मीट, रोटी या चावल? चावल, चावल के साथ ही, चावल जम्मू में असूल है, मीट जो है ना वो चावल के साथ ही खाया जाएगा। अच्छा गाइस, मैंने वो पोर्शन खाली कर दिया, ना ना इट्स ओके यार, बातें की है, मैं नली का पीस ले लूँ? बिल्कुल, ये देखो जी, ओ मैम खट्टा मीट कहा जाता, तो क्या वो खटास होगी? पूरे इंडिया में मैंने ऐसा नहीं खाया, मतलब अगर नहीं खाया मतलब टेस्ट नहीं, टेस्ट अच्छा है, बट ये स्वाद ना इज यूनिक,
ये मेरे को सुना ही नहीं मैंने कहीं। हाँ, एंड ये नहीं कि हल्का, पूरा पूरा खट्टा फ्लेवर है एंड इसलिए इसको खट्टा मीट कहा जाता है। इसमें खटास है जो आपको और कहीं नहीं मिलता। ये खटास नींबू की है? नहीं, ये खटास अनारदाने की है। अच्छा, अनारदाना बहुत यूज होता है जम्मू में। हाँ जी, चाहे वो चटनी हो, अनारदाना खट्टा भी खिला दिया। बिल्कुल बड़ा यार। हाँ जी, अब क्या करना है जी? अब लेते हैं जी हम रोगन जोश। रोटी या चावल? चावल चावल तो सब कुछ चावल। सब कुछ चावल के साथ आने वाले हैं हम। मैं एक पीस डालो फिर आपको दे रहा हूँ। ये देख लो जी, ये रहा है। हाँ हाँ, लो प्लीज जी, हेल्प योर सेल्फ। नली का बीस लेना चाहो भाई। आगे ना वो यकनी भी नली में ही है। ये आ गया जी, अब नली का पीस। ट्राइंग टू गिव अ ब्रेक नली को। इस बार आप नली ले रहे हो? इस बार हमने कहा शोएब भाई ने छोड़ दी तो पैक कर दिया जाए। मन तो नहीं माना था मेरा। चलो लेट्स गो इधर। एक मिनट, मटन का पीस ले लूं। दिखाई देता हूं यार आपको ना, मुझे ना इन्हें कहा थोड़ा टाइट होता है मटन, और वो बिल्कुल दिख भी रहा है, ये देख रहे हो। सो क्या पूरा चंक आएगा मुँह में ना, मटन को आप चू करोगे। हाँ जी, कोई टमाटर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मटन मटन और मसाले, यही कहानी है। दिल खुश हो गया। और सही बताऊँ, मेरे को आदत है टमाटर मसाले की, बट मैं यहाँ मिस नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या कहते हो आप? ये चीज़ें टू डाई फॉर वाली खाना है ये। मैं आ गया जी। मेरे रिव्यू पे भरोसा करना, प्लीज़ खाने आना, आपका दिल खुश होगा। ये रोगन जोश वो नहीं है जो मैं दिल्ली मिलता। हल्की सी पता नहीं कैसे मिठास आती है इसमें, कैसे वो रिचनेस आती है। ग्रेवी में मसाला नहीं है, बट फिर भी कंसिस्टेंसी थिक है। यूज़ सिर्फ मसाले कर रहे हैं, ड्राई रब मतलब मसाला, प्याज और प्याज डलता है इसमें, ग्राइंड किया हुआ टमाटर बिल्कुल नहीं है, लाल रंग फिर भी है। मज़ा आ गया। हाँ जी, अब क्या करना है? अब बचे हुए चावल हम खत्म करेंगे जी, यखनी के साथ। अच्छा, यखनी के साथ। थोड़ा मैं चावल इधर कर लूँ? बिल्कुल, क्योंकि इसकी यखनी है जी वाइट। हाँ, थोड़ा इधर कर लेते हैं। हमने खा लिए काफ़ी मसाले। हाँ, लास्ट में लेते हैं समथिंग लाइक। अब आती है बात सारे एक पीस की। बिल्कुल, क्या करना है इसका? इसकी मैं लेने वाला हूँ ग्रेवी, क्योंकि हमने बहुत नॉनवेज खा लिया। चलो आप लोग, आप नली स्वाद करें। आप ग्रेवी ले लो पहले जी, और फिर करते हैं शोएब भाई अटैक। करो जी, खट्टा मीठा मैं टेस्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, मैंने देखा सोचा नहीं था सर। सो दिस इज देयर नली का पीस, यखनी की ग्रेवी पूरी। ये देखो जी, क्या बात है। सो मैं हल्का सा पीस तोड़ रहा हूँ, मैं पूरा पीस नहीं ले रहा। यहाँ रख देते हैं पीस को और डालते हैं ग्रेवी। क्या बात है, करा जाए जी ट्राई। हैं, ओनर साहब ने स्पेशली कहा था यखनी नहीं ली आपने, तो उससे कोई गलती हुई है। That yakni is totally, this year yakni is totally different from the other yakni you have been eating. Billu yakni ka. Puri puri curd based. You know this is, if I put up straight now, I'm sorry, main aisa example de raha hu, galat mat dena. But this has a feel of raita and mutton together. Is that right? Hana? This is more rich in curd. ज़्यादा दही का एक फ्लेवर रहता है इसमें। एंड आई एम गेसिंग लाइट ही बड़ी होगी। बिल्कुल है ना। एंड आउट ऑफ ऑल दीज, ये वाली वैरायटी ऐसी होती है जिसमें आपको मीट का ज़्यादा और ज़्यादा फ्लेवर आता है, क्योंकि ग्रेवी लाइट है। यू नो बिफोर वी एंड दिस रिव्यू, आई जस्ट वांट टू से द फूड इज ऑब्वियसली लवली। अच्छी बात होता है क्या, हर चीज़ अलग है दूसरी चीज़ से। देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन द डिशेस, एवरी थिंग इज यूनिक। अपना एक स्वाद, अपनी एक पहचान, मतलब ऐसा कुछ कह लो। ऐसा नहीं कि रोगन जोश और खट्टा मीट एक जैसा है, या इसकी ग्रेवी रारा की ग्रेवी रोगन जोश जैसी है, सबका स्वाद अलग है। हाँ जी, तो बोलना आपको भाई में फूड पंडित, इनका इंस्टाग्राम यूट्यूब और फेसबुक चेक कर लेना। इज अ बेटर एंड अ बिगर फूड इन दैट मी, जो मुझे लगा दो दिन में देखते हैं। वंडरफुल जॉब, थैंक यू। जितना खाता खाते हैं, बाकी पैक करेंगे। बिल्कुल, बाय बाय। ऑलराइट गाइस, सिद्धार्थ मेरे पीछे है। थैंक यू सिद्धार्थ, वेलकम सर फॉर अ वंडरफुल मील। गाइस, सिद्धार्थ ये जगह मुझको बता रहा है, एंड व्हाई आई एम गेटिंग इन दिस वीडियो एवरी टाइम इज ओनली बिकॉज लाइक आई सेड, गुड फ्रेंड
अच्छा होता ना खाना शेयर करना और दोनों के रिव्यूज मैच करें ना करें, क्या स्वाद, थोड़ी खाने की बातें सो ये सब. एनीवे पारासरम ढाबा, वंडरफुल वंडरफुल प्लेस, इट मेड सो मच सेंस. एवरी डिश वॉज यूनिक, हर किसी का स्वाद दूसरे से स्वाद अलग था. मेरे कहने पे कभी जम्मू चक्कर लगे, हल्का सा आउटर में जम्मू के, बट आ जाना, लाइफ विल बी वर्थ इट. जीने के कुछ पर्पस सॉल्व हो जाते हैं ऐसे खाने के बाद, मजाक नहीं कर रहा, इतना अच्छा था. हैं पारासरम ढाबा जम्मू में, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन, एड्रेस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल्स डाल दूंगा. ना मिले फ़ोन करके परेशान करना, पहुँचना, ट्राई द फूड एंड लीव अ कॉमेंट. कोशिश करना यहीं पर आके खाना, पैक मत कराना, जो मज़ा है ना वो यहीं पर है मेरे ख्याल से, है कि नहीं है. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड शेयर, द चैनल विल ग्रो. इंस्टाग्राम पे रोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब रोरा व्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए. दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा. अंटिल देन टेक केयर, हैव फन.